भाई, ये बातचीत तो जैसी फुर्तीलापन, ये देखो भाई आपने सुनी होगी, लेकिन आज आप यहाँ पर एमडी यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं साथियों। फिल्म देखी होगी आपने देसी टार्जन, लेकिन आज जीता जागता जो देसी टार्जन है वो देख लो भाई। 16 साल और ये दिखा दे भाई रोहतक के अंदर, कैमरा मैन ने कहूंगा एक बार भाई चारों तरफ से जो जो दर्शक है भाई जाम लग गया मोटरसाइकिल ऑटो रोक करके, जो यानी कि ये असली हीरो है भाई। आपने 6 पैक देखे होंगे, लेकिन 10 पैक है या फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर। गौ माता की अखंड बाल ब्रह्मचारी जिन्होंने 14 बार जहर को अपने ब्रह्मचर्य और चरित्र के बल से पचाया, आज गौमूत्र देंदी होनी तो सीधा चढ़ू कर गौमूत्र पी जाए, इसका आजम है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं साथियों। रोहतक जो एमडी यूनिवर्सिटी है, एमडी यूनिवर्सिटी का भाई गेट नंबर 1 इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है और दिखा दे भाई सारे के सारे भाई भी खड़े हैं भाई। सुनो ना, मैं आता काफ़ी देर से एक बटांगा मैं यहां पर हो रहा है एमडी यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर पेड़ के ऊपर है, काफ़ी देर से एक व्यक्ति है भाई, ये जो देसी टार्जन भाई सुनने में आई थी, देसी टार्जन काफ़ी देर से यहाँ पर पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है और नीम के पत्ते खाने लग रहा है भाई। ये देख सको काफ़ी देर से ये ग्राउंड मीडिया चैनल के से रोहतक एमडीयू यूनिवर्सिटी के बाहर भाई देसी पत्रकार कर्मु भाई भी अगर हमारा भाई जंगली आदमी है, फुला दे हूं गोमूत्र पीवे, हम गोमूत्र तो पी नहीं पा रहे 2-3 दिन से। ये भाई ताजा ताजा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो ये जंगला में रहने की आदत है, इन्हें फीलिंग आवे पेड़ में। ये देखो भाई फुर्ती, चित्ते पर की फुर्ती देखो भाई की, चित्ते जैसा फुर्तीला टार्जन, देसी टार्जन। ये देखो भाई काफी देर से जो पेड़ को पचड़ रहा था देसी टार्जन भाई, तो ये देखो एमडीयू यूनिवर्सिटी के बाहर, तो भाई आज जो स्पेशल मुलाकात है चित्ते पर की फुर्ती देख लो भाई, दिखाई एक बार पहले कैमरा मैन कहूंगा इस तरफ आकर। वर्ल्ड रिकॉर्ड आ रही है, 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बर्मा है इसने बना दिया, 8,100 सपाटे लगाए, देसी टार्जन है, चित्ते जैसी फुर्ती है, शुद्ध शाकाहारी अखंड बाल ब्रह्मचारी है, गाय का भगत है, गौमूत्र पीता है और गाय का दूध पीता है, उसकी खीर खाता है, देसी गाय की बात है, अमेरिकन की नहीं, देसी। और ये दिखा दे भाई रोहतक के अंदर, कैमरा मैन ने कहूंगा एक बार भाई चारों तरफ से जो जो दर्शक है भाई जाम लग गया मोटरसाइकिल ऑटो रोक करके, जो भाई का जो फुर्तीलापन है, जो दंड मारने लग रहे हैं। खास बात बताऊं इसकी, जी जी जी, अखंड बाल ब्रह्मचारी है, वीर्य की एक बूंद भी आज तक नष्ट नहीं करी इसने। ले भाई सबसे बड़ी बात है भाई, 25 साल की उम्र होगी भाई की देसी टार्जन की और आज तक शरीर के अंदर से वीर्य की एक बूंद भी नहीं निकाली है भाई। ये कहां से पता चला था आपको? डीएनए होया है, डीएनए टेस्ट करवाया, अमेरिका की टीम आई थी और एक एनर्जी ड्रिंक कंपनी थी, 5 करोड़ का ऑफर दे दी, अब भी 5 करोड़ दे देंगे, तुम्हारा ब्रांड एम्बेसडर बन जा। बोला मेरा एनर्जी ड्रिंक गौमूत्र भाई, बोला गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की। बिल्कुल भाई देख लो, ब्रांड एम्बेसडर एक जो कंपनी थी वो इनको 5 करोड़ रुपए दे करके ब्रांड एम्बेसडर बनाने लग रही थी, लेकिन भाई इन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि भाई मैं गौमूत्र पीता हूँ। एक बड़ी बात है भाई, कई जो भाई ये सोच रहे थे जो गाय के बारे में जो नेगेटिव लिखने लग रहे थे उनके लिए जीता जागता तो उदाहरण आज रोहतक के अंदर भाई, देसी टार्जन है, शुद्ध शाकाहारी, ये उन लोगों के लिए उदाहरण है भाई जो कई बार अपने यानी कि मांस ने प्रमोट करा है। चित्ते जैसी फुर्ती देख लो भाई, ये देखो भाई यार, देखो भाई चित्ते जैसी फुर्ती आपने सुनी होगी, लेकिन आज देख लो भाई, फिल्म देखी होगी आपने देसी टार्जन, लेकिन आज जीता जागता जो देसी टार्जन है वो देख लो भाई। 16 साल 30,000 पुशअप लगातार लगाए जी, 10 घंटे लगातार वर्कआउट करके, 8,100 सपाटे, सपटे नहीं, न सपिटी न सपटे, सपाटे कंप्लीट सपाटे, सपाटे एक बार मैं टार्जन को कहूंगा जी, देसी जो सपाटे है प्रॉपर वो एक बार दिखाएं जी, सपाटे कैसे होते हैं जी एक बार। ये देखो भाई वार्म अप भी होने लग रहे हैं और कई देर से पेट के ऊपर चढ़े हुए थे जी, टी शर्ट करवा ली तेरी चोन टूट जाएगी, माथा में लगेगा सीधे इसके एब्स। 6 पैक होनी, 10 पैक है, 10 पैक बिल्कुल 10 पैक भाई, थोड़ी ही देर में एक बार पहले तो घुमा के दिखा दो, देख लो भाई रोहतक की जो जनता है वही जंगला मेरा 16 साल जी, जंगला मेरा तय 16 साल जंगला मेरा है, शहर की दुनिया से अलग है, लेकिन ईब इसलिए जरूरी है इसका यार जिक्र लोगों के बीच में आई हूँ ताकि लोगों ने गौ माता के प्रति मैसेज भी जावे और यू किसी जिला ने देश ने कौन चुनौती दे रहा, पूरी दुनिया ने इसके बराबर का स्टेमिना दिखा दो, कोई बराबर का पावरमैन, स्टेमिना मैन, सुपरमैन और भाई फौलाद पसीना तो नहाने वाला
मेहनत का पसीना तो ना नाला। बिल्कुल भाई, देख सको भाई ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हम पहले भी आपके सामने की यूनिक वीडियो लेकर के आते हैं। एक ऐसी जो वीडियो है देसी टार्जन की चित्ते जैसी जो फुर्ती है वो आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से तमाम तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और भाई देख सको इसका जो शरीर है लोहे की तरह बज्जर की तरह जो शरीर है वही इसका बताने लग रहा है। और भाई देख लो यहाँ पर जो जितने भी साथी है जाम लग गया, इधर आ जा भाई दिखा दे एक बार, जाम लग गया मोटरसाइकिल लाटो, मोटरसाइकिल लाटो रोक करके एमडीयू यूनिवर्सिटी के बाहर यहाँ पर दिखा दे भाई अल्टी पल्टी देखो भाई, अभी फुर्ती देखो भाई की, देखो भाई ये बात चित्ते जैसी फुर्तीलापन, ये देखा भाई आपने सुनी होगी लेकिन आज आप यहाँ पर एमडी यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं साथियों। ये एक बड़ी और यूनिक बस ये देखा भाई ये ग्राउंड मीडिया के माध्यम से, और इतना फुर्तीलापन आज के टाइम पर ब्रह्मचारी रहना अखंड ब्रह्मचर्य का एक प्रतीक है, एक जीता जागता जो उदाहरण है वो आपके सामने है भाई यहाँ पर। अच्छा करमो भाई रिकॉर्ड पहले है, 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या क्या है लगभग, ये जो पुशअप का रिकॉर्ड है नी स्टेमिना, हाँ। ये पूरी दुनिया को चुनौती दी है भाई, इस जितना स्टेमिना को दिखा दो, कोई दोनों में जड़ा ऊंचे पेशेंट है, चाहे कोई पोटर खांदा हो टिक्के लगा रहा हूं, कोई कि मैं परिवार का आउट ले रहा हूं, कोई परिवार का देखो भाई इसके बराबर में आ जियो और यू दोनों वन बराबर बिठा दियो, बिल्कुल जो पहले उठ गया वो हार गया, तो ये पूरी दुनिया को क्या दिखा रहा सपाटे, देख अलग स्टाइल देखो भाई, बिल्कुल ये देखो भाई पैर वाला जो नया स्टाइल और भीड़ होगी भाई, अब ये देख सको रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी के जो बाहर है भाई वो भीड़ लगी है स्पेशल दो देसी टार्जन, पेड़ के पत्ते खाता है जी, गौमूत्र पीता है, गाय का दूध पीता है, बिल्कुल। तो भाई जो संजय भाई है जो गो भगत है देसी टार्जन है इनसे भी हम बातचीत करेंगे, 16 साल की जो इनकी जो तपस्या, देखो भाई ये स्टाइल देखो भाई, यानी कि ये असली हीरो भाई, आपने फिल्मा में सिर्फ वो रील वाला नहीं है, ये असली हीरो भाई ये आपके सामने है, ये ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हो भाई, ये तमाम तस्वीरें रोहतक की जो जनता चारों तरफ से एमडी यूनिवर्सिटी के बाहर इकट्ठी होगी भाई। 16 साल करमू भाई सुनने में अभी 16 साल ही 16 साल जंगल में रहा है, जंगल से ही प्यार है, गौ माता से प्यार है, और इसके अंदर अमनू कर दे भाई अर्फुल जाट जुलानी वाला की आत्मा किसे मावगी, ममटोन दे भरा तो उसको भक्त ने, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं वो आत्मा इसमें रही है, गाय का सच्चा सपूत है, गाय का भगत अपनी माँ की जननी माँ की आंचल नहीं, गाय माँ के आंचल में रहा हूँ, बिल्कुल देसी। देख लो भाई गाय माता को प्रमोट करने वाले जो गो भगत है देसी टार्जन है, ये जो फुर्तीलापन है, बिल्कुल भाई ये जो फुर्तीलापन है ये ग्राउंड मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं आप ये तमाम तस्वीरें। आप सभी साथियों से भी निवेदन है भाई ऐसी ऐसी वीडियो ना शेयर करा करो जिसे देश के अंदर राष्ट्र के अंदर जागरूकता युवाओं के बताऊं जी, और बालक तो मेहनत करके थकेगा, हाँ। यू मेहनत करके डबल ट्रिपल पावर आ जाए, एनर्जी बढ़ जाए इसकी जी, क्योंकि जब सपाटे लगाते ना 800 3000 सपाटे में बाद इसकी स्पीड 2 गुना बढ़ा दी, यानी कि स्पीड बढ़ गई इसकी, एनर्जी इसमें और आ जाए, आम बालक जो होगा नी उसमें एनर्जी डाउन आवे इसमें बढ़े, बिल्कुल सुनने में आता है कि 50,000 सपाटे अगला तो टारगेट है, इसका मकसद है गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जावे, अरे गो दिवस लागू करा जाओ होना चाहिए नहीं भाई, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए नहीं, बिल्कुल जी, तो यू नू कहा मेरे पास 50,000 सपाटे मरवा लो लगातार और गाय ने राष्ट्रमाता बना दो, 50,000 सपाटे यू डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करके मारागा भाई, मेरे कुछ हो गया तो मैं जिम्मेवार हूँ, 50,000 थोड़े हो भाई 50,000 सपाटे, ये देखो भाई एक टांग के ऊपर जो डिप्स है भाई वो लगाने और इतनी मेहनत जिप कर रहा जी भी 8,000 सपाटे मार रहा, नहीं तो टांग भर जाए आदमी की, बिल्कुल भाई कल तो मारे हैं, कल मारे हैं मतलब परसों मार के कल फरियो है, बिल्कुल भाई और सपाटे मार के उसके बाद भी इतनी मेहनत, 8,000 कितने 8,100 सपाटे भाई 8,100 सपाटे जो है परसों इन्होंने मारे, देसी टार्जन 1857 के नाम से इंस्टाग्राम है भाई, अजय इसका बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो भाई ये देख लो भाई ये आपके सामने है भाई, ये जो देसी टार्जन है गौ माता का जो भगत है भाई देसी टार्जन है, ये सारे के सारे जो साथी है भाई देखने खातर जो जन सैलाब है यहाँ पर है वो भी उमड़ गया भाई, टार्जन भाई के बिल्कुल पसीना की फुहार देख ले, देख ले आजे पसीना गले गले, अरे एक बार बात भी कर लेते हैं एक बार, हाँ बिल्कुल टार्जन भाई 2 मिनट एक बार टी शर्ट निकाल दो भाई, टी शर्ट भाई आपने 6 पैक देखे होंगे लेकिन 10 पैक यानी कि 10 पैक पहली बार हम दिखाएंगे भाई, 6 पैक नहीं है ज्यादा जी जी, निकालो टी शर्ट निकालियो एक बार टार्जन भाई, बिल्कुल भाई ये देखो भाई संस्कृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति से, ये होता है भाई प्रकृति के साथ यदि कोई जुड़ जाता है तो चित्ते जैसी जो फुर्तीलापन है वही है भाई, और ब्रह्मचर्य रह करके ये देखो फैट है 0% फैट का कोई फाका नहीं, नजदीक आ जाओ भाई, अरे एक बार नू करियो पहलवान जी वो पैक वाली पोजीशन, पैक वाली पोजीशन एक बार ये देखो भाई, अभी
जो वार्म अप है वो लगातार होने लग रहे हैं। वो भाई जैसे कर्मू भाई है जैसे पत्रकार बताने लग रहे हैं भाई जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं उतनी इसके अंदर जो एनर्जी है वो लगातार बढ़ती जाती है। और नहीं भाई मतलब इनके अंदर कोई थकावट है या किसी भी तरीके से इनकी जो एनर्जी है वो कम हो, कम नहीं है, जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं लगातार जो इनकी एनर्जी है वो बढ़ती ही जाने लग रही है। बढ़ती है। और इसका रहस्य है गौमूत्र जी। और भाई गिल्ले अपना यू गाय का दूध पियो, देसी गाय का, अमेरिकन का नहीं, देसी गाय का, उसके ताकत का कमाल है। एक किस्म का नॉन वेजिटेरियन लोग का मुंह पर थप्पड़ मार दिए ने। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सबसे बड़ी बात है। चलो भाई एक बार वो पोजीशन दिखा दो, वो पोजीशन 6 पैक पैक वाली दिखा दो जी, 10 पैक करके नहीं करते हो आप तो, दिखा दो एक बार ऐसे करते हो, पैक दिखा दो ऐसे वाले। ये दिखाओ भाई, नजदीक ले आओ एक बार, ये नजदीक ले आओ भाई। देखो ये तमाम तस्वीरें आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं भाई। 16 साल हो गए भाई को जंगल में ही रहते हैं और 16 साल के बाद की जो इनकी जो तपस्या है लगभग 11 इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए और जो बारहवां जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बनाने की जो तैयारी है लगातार वो चल रही है। 50,000 जो सपाटे हैं वो कह रहे हैं कि भी इन्होंने भाई 50,000 जो सपाटे लगा दिए। यहाँ पर फिलहाल आप ये देख भी सकते हैं MD यूनिवर्सिटी के बाहर जो है लोगों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर लग गया। ये देखो भाई आपने 6 पैक देखे होंगे लेकिन 10 पैक है या फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर। बिल्कुल 8 तो देख लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, दो सपोज कर ले भाई। बिल्कुल लो आज के थोड़े में है। हां ये बिल्कुल दिखा दे भाई, कुछ दिखता है। ये देखो भाई बिल्कुल, ये देखो भाई ये जो दोस्त है। बिल्कुल भाई इतना स्टैमिना क्यों करो उसके आदमी में, इतना हाउ इट इज पॉसिबल इतना स्टैमिना भाई। आप लगातार 10 घंटे सपाटे मार दोगे, 30,000 पुशअप लगातार मार दोगे, या मतलब वैज्ञानिक खोपड़ी हल रही इस टाइम। बिल्कुल हेल्थ भी जैसे कि पागल हो रहे भाई, इस तरह का पॉसिबल क्यों करो उसका है। तो संजय भाई से भी एक बार हम बातचीत कर लेते हैं। संजय भाई एक बार हम चाहेंगे 2 मिनट का जो समय, एक बार आ जाओ। ये बोलता नहीं करता करता। बिल्कुल बिल्कुल 2 मिनट, एक बार 2 मिनट एक बार चाहेंगे एक बार। बिल्कुल क्या ये बात। हाँ जी जी, चलो भाई देखो भाई की जो प्रैक्टिस है वही लगातार चल रही है। जब तक ये प्रैक्टिस नहीं कर लेते जब तक इनको चैन नहीं मिलता ये लगातार जो प्रैक्टिस है वही करने लग रहे हैं। विदेशी पत्रकार कर्मू वाह ये बात दिखा दे भाई नजदीक आकर। जय गौ माता की, जय गौ माता की, जय। ये इसका है भाई अपना टार्जन स्टाइल। और फिलहाल आपने कुछ पूछना अलग ही इसके बारे में सबने पता चल जाए। बिल्कुल ये जो सारी चीजें हैं दावा ठोक के छाती ठोक के डंके की चोट पे नर ठग आंख मिला के दावा ठोक के है और इसको चैलेंज कोई करो तो करो भाई, उसके लिए तैयार हूँ। बिल्कुल ये मतलब ऑथेंटिक चीजें हैं जो लाइव सपाटे मारे सारा रिकॉर्ड है। काउंटिंग टीम थी गाम राम की मौजूदगी में पूरा लाइव चला। बिल्कुल तो ये इस बात का हम चैलेंज दे रहे हैं पूरी दुनिया में कि भी टार्जन जितना को स्टैमिना दिखाओ 10 घंटे का वर्कआउट करके दिखा दो मान जाएंगे। बिल्कुल ये चैलेंज है भाई, चैलेंज है ये 10 घंटे का जो लगातार है कि भी 10 घंटे लगातार वर्कआउट करके दिखा दो भाई। ये खुला तो चले देखो भाई इस वीडियो के माध्यम से ये नहीं भाई हम किसी का अपमान कर रहे हैं, अपमान करने का मैन उद्देश्य नहीं है भाई, लेकिन जागरूकता समाज। ये टार्जन खुद कब है बताइए टार्जन भाई जी जी, आपका किसी से कंपटीशन है। जय गौ माता की, जय श्री राम, सभी को प्रणाम जी। और जितने भी नौजवान युवक युवती विद्यार्थी जी इंस्टीट्यूट में इसमें पढ़ते हैं जी, आपके सामने तस्वीर लगी हुई है ऋषि देव दयानंद की, देव दयानंद की जी, अखंड बाल ब्रह्मचारी जिन्होंने 14 बार जहर को अपने ब्रह्मचर्य और चरित्र के बल से पचाया। आज के नौजवानों को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल जी, अब आप बताइए चरित्र से बढ़कर कुछ है। बिल्कुल नहीं जी कुछ जी, चरित्र से बड़े कोई चीज है। बिल्कुल चरित्र को देने वाली कौन है, कामधेनु गौ माता। इसलिए अगर कोई इंसान धनवान बन जाए बलवान बन जाए कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया बन रही है, लेकिन अगर गोभक्त बन जाए और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिला दे उसने दुनिया फतेह कर ली। अच्छा अच्छा एक बात देख जी, पसीने पसीने रहा, सांस है इसकी कड़ी, सांस नहीं चढ़ रही इसका। बिल्कुल भाई देखो इतनी प्रैक्टिस करके कोई भी जो बालक है भाई वो आफन लाग जाए यानी कि उसका सांस चढ़ जाए, लेकिन जो देसी टार्जन भाई है इसके 1% भी जो सांस अभी तक वो नहीं चढ़ रहे हैं। टार्जन भाई ये जो गौमूत्र जो पीते हैं इसको लेकर के क्या कहेंगे भाई, क्या पॉजिटिव क्या सकारात्मक जो है भाई गौमूत्र पीने से क्या एनर्जी ऐसी मिलती है। देखो गौमूत्र पीने से क्या एनर्जी मिलती है ये तो आपने देखा है जी, और जो 12 विश्व रिकॉर्ड बने हैं वो भी गौ माता की कृपा से ही बने हैं गौमूत्र पीने से। बाकी और चीज़ों को युवाओं से मैं इतना तो कहूँगा नहीं कि आप उन चीज़ों को मत खाइए जो नहीं खाना, क्योंकि लोग कुछ कहते हैं आप
हमारे लिए ऐसा बोल रहे हो तो मैं तो इतना ही कहूँगा, गौ माता का गौमूत्र पियो, दूध पियो, उससे बढ़कर एनर्जी इस दुनिया में सबसे बड़ी एनर्जी अगर आपको चाहिए गौ माता के दूध में, देसी गौ माता का दूध। बड़े बड़े डॉक्टर नहीं अजय पागल हो लिए, कारण है क्योंकि गौमूत्र सिद्ध हजम नहीं हो सकता, लोहे का लीवर है इसका, मतलब लोहे जैसा गाय का जो गौमूत्र सीधा किसी का हजम नहीं हो सकता, तो इसके सीधा हजम हो, सीधा पी ले गौमूत्र दे दियो नी तो सीधा चढ़ू कर गौमूत्र पी जाए, इसका हजम है, इसने अपने आप को अपने शरीर को ऐसा बनाया है शुरू से ही। मैं पहले से बचपन से ही पीता हूँ और 16-17 साल हो गए मुझे ना, मैं उत्तराखंड में ही रहता हूँ जंगलों में, जंगलों में ही अपनी आपकी दिनचर्या रहती है, और अपने गुरुकुल से सुबह उठता हूँ, जाता हूँ गौ माता को चराने, बाहर इसलिए निकल के आए टिक्के वाले पोटर वाले नॉन वेज खाने वाले मुखाम खाई दुनिया नु दिखाओ मां बिरन किए, हाँ तो जहाँ तो बाहर लिखा है मुझे बाहर लाने वाले भाई देसी पत्रकार कर्मू है जी, और जो ये विश्व रिकॉर्ड बना इसे लाइव दिखाने वाले भी भाई देसी पत्रकार कर्मू है, सबसे पहले तो आपको भाई का धन्यवाद करना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल। कि भाई वहाँ पहुँचे और सीधा लाइव दिखाया, आप सोशल मीडिया पर देख सकते हो सपाटे जिन्हें कहते हैं, एक बार सपाटा तो प्रॉपर वो भी दिखा दो एक बार, कई जो साथी हैं भाई उनको तो सपाटे नहीं पता, हाँ ये तो सपटे है, सपटे अच्छा जो और लगा रहे हैं अच्छा, ये जो प्रॉपर जो सपाटे वो देखो भाई, प्रॉपर जो सपाटे पहले सपटे देखो फिर सपाटे देखो भाई जी, भैया तो हैं सपटे भैया नु जो मारने लग रहे हैं ये सपटे, और जो सपाटे हैं जो ओरिजिनल है वो अब आपके सामने आएंगे, फिलहाल जो सपटे सपाटे 20,000 मार देगा जुगराट 10 घंटे में, इसे तो 20,000 लगा देगा बिल्कुल, सपाटे बिल्कुल अभी जो सपाटे भाई जो ओरिजिनल जो सपाटे हो वो देखो भाई जी, दिखाओ भाई देखो भाई ये हो भाई ओरिजिनल जो सपाटे पूरा ऊपर खड़ा होना, और भाई इस प्रकार से ये मतलब छाती ताड़ के खड़ा होना, ये देखो भाई हर बार जो जो प्रॉपर सपोर्ट जो सपाटे हैं वो आपके सामने भाई, ये ओरिजिनल मेहनत हो भाई प्रॉपर, मतलब कोई भी जो प्रैक्टिस है सपाटे है दंड है भाई पुशअप है उनको प्रॉपर तरीके से जो करना है, असली विजेता वही होता है भाई, ये देख लो भाई आपके सामने, और MD यूनिवर्सिटी के जो बाहर थे भाई हमारी जो टीम है भाई बहुत बढ़िया भाई, के कुछ मतलब खाना खुने में के ले जाओ आप, खाने में गौ माता गौमूत्र है, दूध से बनी खीर है, फल है, जूस है ये तो, और आपसे इतना ही कहूँगा कि अपने घर में एक देसी गौ माता अवश्य रखिए भाई। अच्छा ये सुनने में आता भाई 5 करोड़ का ऑफर है टार्जन भाई, आपने जो कंपनी ने 5 करोड़ का ऑफर दिया था आपको भी ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, 2 दिन बाद आया अच्छा। जैसे ही भाई कर्मों की वीडियो वायरल हुई ना, भाई ने लाइव दिखाया, उनको पता चला 12 विश्व रिकॉर्ड बन चुके हैं, तब उन्होंने ऑफर दिया और कर्मू भाई की सहमति से मना करने से मैंने मना किया। अच्छा कर्मू भाई पेड़ पर क्यों चढ़ रहे थे, पेड़ पर कारण यूं था जाए, देखो इसकी खुराक है गौमूत्र जी, गाय का दूध और जंगल का जीवन, तो ही भी 2-3 दिन शहर में मतलब लगातार चल रहा है ये रिकॉर्ड की जो था, तो यू जंगल से दूर था, गाय माता से दूर था, तो इसलिए ना अपनी एनर्जी बूस्टर मिलता है पेड़ पर चढ़ गए, पेड़ पर चढ़ गए इन्हें वहाँ रिकवरी मिला है क्योंकि हरियाली है बूस्टर है एनर्जी का, तोड़ता एनर्जी ले अपनी यू, यह बात है। चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई ग्राउंड मीडिया के माध्यम से, जो देसी टार्जन भाई है भाई इनकी इनके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उन वर्ल्ड रिकॉर्ड को लेकर के आपकी राय क्या है आपने रखनी है जी संजय भाई? आप निस्वार्थ पत्रकारी करो जी जी, जैसे पूरे भारतवर्ष में सबसे नंबर वन जी, और लोग जिन्हें बहुत प्यार करते हैं भाई देसी पत्रकार कर्मू करते हैं बिल्कुल बिल्कुल, आपसे मैं सभी पत्रकारों से मीडिया वालों से इतना ही कहूँगा कि जो देशभक्ति की गो भक्ति की राष्ट्रभक्ति की दृढ़ संकल्प की और ब्रह्मचर्य की बातें वो प्रत्येक नौजवान युवक युवती विद्यार्थियों तक जानी चाहिए पूरे भारतवर्ष में, ताकि नौजवान बलवान बने और अपनी ब्रह्मचर्य की ताकत को गलियों में ना बिखेरे, बिल्कुल ऐसा मेरा कहना है, बाकी अगर आपको ये बात भी बुरी लगती है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल भाई देखो बुरी लगनी भी नहीं चाहिए भाई, ब्रह्मचर्य का जी जीता जाता आज का टाइम पर जीता जागता यदि कोई उदाहरण है तो भाई संजय भाई है भाई गो भगत है देसी टार्जन के नाम से जो फिलहाल पूरी दुनिया में वायरल होने लग रहे हैं, 25 साल की उम्र होगी भाई इनकी, आज तक शरीर से वीर्य की एक बूंद भी नहीं निकली आज तक का, ये इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी, और ब्रह्मचर्य के प्रति जो जागरूकता है चरित्र के प्रति जो जागरूकता, क्योंकि भाई बड़े बुजुर्ग हमेशा एक ही बात विद्वान कहते आए हैं भाई अपने चरित्र अपने स्वाभिमान के लिए हम अपनी गर्दन भी कटा सकते हैं, भाई आपका चरित्र ही आपके जीवन में सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत ही जरूरी है भाई आपके स्वाभिमान के लिए। तो संजय भाई लास्ट में कोई युवाओं को कोई संदेश? युवाओं को इतना ही संदेश दूंगा भाई एक बार आ दो जी आ जाओ एक बार भाई, लास्ट में युवाओं को क्या संदेश आज की जो वीडियो है भाई
क्या मैन उद्देश्य है और क्या हम संदेश देना चाहते हैं? देख अजय भाई, यह है देखो मामले कहा था भाई, सारे पत्रकार साथी जी जी सबका नैतिक और सामाजिक कर्तव्य भी है। बिल्कुल जी, जब आप ऊँ माइक ला रहे हो इसका आगे गलत, बिल्कुल यू डिजर्व करे, यू फौलाद है, स्टेमिना मैन है, सुपरमैन है, पावर मैन है, ही मैन है, डाबर मैन है, के कौन है, शब्द कम है और चित्ता पर की फुर्ती है। तो यह चीज है भी अपन नू देखना भाई, इसमें फुर्ती करता हुआ यू जितना जागता उदाहरण है गौता हुआ है, देसी नस्ल के जो गए हैं और उन्हें जय सारे पहलवान भाई मिलकर, मैं तो अंकित ने भी कहूँगा, राहुल ने भी कहूँगा, अमन ने भी कहूँगा, वह भाई भी देखो किसी को नीचा नहीं ऊंचा करने की बात नहीं है, वह भी अपना ठीक है मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पहलवाना में हल्दी कंपटीशन होता है भाई। हाँ। तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में चुनौती दी है ना, पूरी दुनिया को ललकार दिया है, किसी ने माँ का दूध पिया है तो आओ इसके बराबर का स्टेमिना दिखाओ। और भाई युवाओं ने यह अपील है, अपना बैक टू द रूट, जड़ों से दोबारा जुड़ो, अपनी गौ माता, एक गाय ने अपना पूरा देश संभाला लेकिन सारा देश मिलकर इस गाय ने नहीं संभाल रहा, दुख आवे है। तो ये पहलवान जी इसका एक किस्म का एक एग्जाम्पल सेट कर दिया इन्हें, भाई गौमूत्र में, गाय का दूध में और उसका गोबर तो ये अपनी मसल रिकवरी करें, ये मसल जब थके नहीं इनकी तो गोबर लीप का मसल रिकवरी हो जाए इनकी। और ये बड़े बड़े जो आजकल के जो वैज्ञानिक है ना, जो यूरोपियन थॉट के वैज्ञानिक है, वह इसने पागल भी कहूंगे लेकिन उनकी नजरों में जब हम पागल का नाम नहीं, वो पागल अच्छा है, इसे पागल की जरूरत है अपने देश ने। और राजनीति वाले लकड़ भगे पाकड़ भी ले कुकर मुते तोड़कर पाड़ी और बगैर बताओ बच्चे को नहीं गाए, ये बचा लो। बिल्कुल। और इसे से भाई का पत्रकार साथी और भी आओ भाई, और भी आओ बताओ। बिल्कुल भाई, बोलो गौ माता की जय हो, गौ माता की जय, गौ माता की जय। बिल्कुल। चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई, रोहतक एमडीयू यूनिवर्सिटी के बाहर जो देसी टारजन और जो देसी पत्रकार कर्मो भाई से जो बातचीत जो हमने की है और जो चित्ते जैसी जो फुर्ती है भाई और ब्रह्मचर्य का जो जीता जागता जो उदाहरण जो हमने आपके सामने जो दिखाया है, फिलहाल क्रिया की प्रतिक्रिया आपने रखनी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, ताकि जो देश का जो नौजवान युवा साथी है उनके अंदर जागरूकता आए, ब्रह्मचर्य के प्रति उनके प्रति भी जो जागरूकता है वो बढ़े। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए, ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो गिंचार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।